गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित के भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज की अगर आपको भुजाएं दे रखी है फर्स्ट में 2.5 सेंटीमीटर कॉमा 6.5 सेंटीमीटर कॉमा 6 सेंटीमीटर, तो आप देखो दो छोटी भुजाओं यानी ए और ए इनका योग किसी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, तो 6.5 का स्क्वायर बराबर 2.5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 6.5 इंटू 6.5 यानी 6.5 × 6.5 = 25, 2×5=30 32, 6×30 और 6×36 = 38 = 39, 5×2=4, दो संख्या आगे पॉइंट यानी 42.25 = 25 को 32 से कर देते हो 625। अब आपको पता दो संख्या आगे पॉइंट लगेगा यानी 6.25, तब 6 को 6 से करते हैं 36 36, दोनों को जोड़ दो, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा दें, ये हो गया 32.25 और इनको जोड़ेंगे तो 2×5 = 6 और 6 = 12 + 3 = 4 दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा इस तरह से कि समकोण त्रिभुज बन सकता है, यानी क्या होगा समकोण त्रिभुज बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 2 सेंटीमीटर दूसरी भुजा भी है 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा का योग यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 2 का स्क्वायर मतलब 2×4 प्लस 2×4, तो 25 = 4×4 = 8 दोनों बराबर नहीं, इसलिए मैंने काट दिया, इसका मतलब बताओ तो बराबर नहीं तो संपूर्ण त्रिभुज नहीं हो सकता, क्या लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज, तो उसके लिए निशान लगा दो नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड पे रखा है 1.5 सेंटीमीटर एक भुजा दूसरी भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर 15 यानी कि दो बड़ी भुजा कितनी है 2.5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2.5 का यानी 6×5 यानी 6.25 बराबर 15 यानी 2×25 = 2.25 × 6 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2 = 6.25 × 2
महत्वपूर्ण विभिन्न बन सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पे जा रही बता लीजिएगा। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। ये पेड़ है, ये 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, यहां से ये टूट गया, ठीक है। अब ये टूटे मतलब नीचे आ गया। अब आगे बोलना है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी पर टूटा है, यानी
ये डिस्टेंस हो गई है 5, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला उसको अपनी सुना उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 मीटर। ये त्रिभुज बन गया एक तरह से, कौन सा त्रिभुज बन गया, ये वाला, इसकी ये हो गई 5 मीटर, ये हो गई 12 मीटर, ये हो गया कौन 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज। अब ये बोल रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई, तो पूरी ऊंचाई की इतनी भी ये ऊपर का जो इसका जो फूटा है वो भी आएगा, तो ये हो गया कर्ण। सूत्र क्या लगता है, कोई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यानी कितना हो गया, कर्ण का तो मेरे को पता नहीं है, तो लिखेंगे अपन कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, 4 और 2 6, 169। खाली कर्ण जब अगर निकालेंगे तो उसका रूट कर देंगे 169 का, और 169 का रूट होगा 13 मीटर, हो गया। ये हो गया आपका, अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हो गई 5 से, तो तने से टूटा था और तने के ऊपर का हिस्सा 13, तो 5 और 13 18 मीटर पेड़ की ऊंचाई है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।